हेल्थ सेक्टर को लेकर इस बजट में क्या रहा है? मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है, बात करते हैं संदीप जी से। सर, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को, अगर खासकर हेल्थ सेक्टर की बात करें? देखिए, ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ ये बजट बनाया गया है। अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूँ तो मुझे लगता है 50-50 है, मतलब जो जितना हम चाहते थे और जितना हमें मिला है 50-50 मिला है हमें। हेल्थ केयर में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ हमको मिली है वो ये है कि कंजम्पशन बढ़ाने की काफ़ी चीज़ें की गई हैं इस बजट में, चाहे वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस हो, चाहे वो अर्बन हाउसिंग के ऊपर फोकस हो, इन्फ्लेशन कम करने का जो काम किया है, मतलब फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने का काम किया है, उससे इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब मेरी और आपकी जेब में ज़्यादा पैसा रहेगा, इसका मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ा बूस्ट है, ना सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर को, बस सारे कंजम्पशन सेक्टर्स को, हेल्थ केयर सेक्टर को भी डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। दूसरी अच्छी चीज़ ये हुई है जो इन्होंने पहले जो चार सेक्टर, जो चार तबके आइडेंटिफाई किए हैं जिन पे फोकस करेंगे, जिनमें गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता, यही चार वो तबके हैं जिनको हेल्थ केयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, इन्हीं चार सेगमेंट में सबसे ज़्यादा चाहिए। तो ये देखिए, अब बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट का फोकस भी इन्हीं चार लोगों के ऊपर ज़्यादा है। जहाँ पे मिस कर गए मेरे ख्याल से थोड़ा, जो 9 प्रायोरिटीज़ जो आइडेंटिफाई की उसमें अगर 10वीं हेल्थ केयर होती तो और अच्छा रहता। काफ़ी चीज़ें कई की गई हैं इसमें, लाइफ केयर, ड्रग्स पे कस्टम ड्यूटी वगैरह कम किया गया है, लेकिन शायद थोड़ा और होना चाहिए था। कोविड का मंजर वो हम सब ने देखा, तो क्या लगता है कि वो स्थिति ना आए तो उसके लिए बजट थोड़ा सा बढ़ाया गया या पहले जितना ही है? देखिए, एग्जैक्ट नंबर्स तो अभी हमारे पास नहीं है, मेरे ख्याल से थोड़ा बढ़ाया गया, लेकिन लाइक जैसे मैंने कहा कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि करीब 2.5% ऑफ GDP तक शायद जाए, या 2.5 से 3% तक जाए तो बेटर होता। आम भाषा में आम लोगों के लिए क्या कहेंगे, दवाएं सस्ती हुई हैं, क्या उनको हॉस्पिटल में कुछ राहत मिलेगी? डेफिनेटली राहत मिलेगी, और उनकी जेब में ज़्यादा पैसे आएंगे, मेन चीज़ ये है। तो कंज्यूमर का चॉइस बढ़ेगा, आपके ऊपर है, अब पैसा आपके ऊपर है, अब पैसा आपकी जेब में, आप डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ से दवा लेनी है, आपको कौन सी दवा लेनी है, सो चॉइस बढ़ेगी आपके लिए। सो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बेनिफिट है इस बजट का आपके लिए। लोगों के लिए राहत की खबर, डेफिनेट 100% राहत की खबर, 100%। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिलीप हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।